छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से दरअसल चूंकि मुझे ये सआदत हासिल है कि मैं इस उनसे तादीक हूँ, तो इस हवाले से मुझे काफ़ी दोस्तों के फ़ोन भी आए, एतराज़ हुआ कि आप आगे पीछे बातें करते हैं और आपको मुफ्ती साहब पर अगर एतराज है तो आपकी मस्जिद में आ रहे हैं तो आप मुझसे बात करें, तो इंशाल्लाह मैं बात करने लगा हूँ। देखिए मुफ्ती साहब ने जो बात की है हमें उसके ऊपर एतराज़ है, हम सामने कहते हैं और मुफ्ती साहब जो है वो इसका जवाब जो है तकरीर के दौरान दें, आखिर में दें, शुरू में दें, लेकिन मैं सवाल इंशाल्लाह जरूर करूंगा। और वो सवाल ये है कि मुफ्ती साहब ने एक महफिल में सवाल जारी रखिएगा। मुफ्ती साहब ने एक महफिल में मशहूर मारूफ सहाबी रसूल को पलीद बताया, मेरे नबी के सहाबा के लिए तो लफ्ज ये इस्तेमाल हुआ अपने को अपने अबू सुफियान जैसा पलीद। ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब ये भी वो मुसलमान नहीं हुए थे, जब वो मुसलमान हो गए तो फिर तो रदी अल्लाह ताला अन्हो, लेकिन जब दुश्मनी थी मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, हिकायत कर रहा हूँ अपने को अपने अबू सुफियान जैसा पलीद, अबू सुफियान जैसा पलीद। और फिर ये कहने के बाद इन्होंने ये कहा कि मैंने उस वक्त की बात की है जब वो हालत शिर्क में थे, तो क्या किसी सहाफी को जो सहाफी हो चुका और जिसकी सहाफियत का जमाना भी गुजर गया उसके उसने पलीद के लफ्ज कहना क्या ये दुरुस्त है? फिर दूसरी जगह इन्होंने दूसरे सहाफी को के बारे में उनके नाम के मानी बयान करते हुए इन्होंने कहा कि भौंकने वाली कुंती, तो क्या हम उसी वक्त को मद्देनजर रख के जिस तरह की इन्होंने दलील पेश की है कि मैंने उनका वो वक्त मद्देनजर रखा है जिस वक्त वो सहाफी नहीं थे मुशरिक थे, तो क्या हम भी इसी तरह मुफ्ती साहब के उस वक्त को मद्देनजर रखें जिस वक्त इन्होंने कहा कि भौंकने वाली कुंती का काम, क्या हम भी इनके बारे में ऐसे लफ्ज कह सकते हैं कि भौंकने वाली कुंती तमाम अबा बैठ जाए, मेरी बात सुने, तमाम अबा बैठ जाए, कोई मसला नहीं है, उसका सवाल है, तमाम तमाम अबा तशरीफ रखे, सवाल है किसी का या मुआविया, या मुआविया।